वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉक आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने पार्ट फाइव तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया टिल आर्टिकल 151। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सिक्स आर्टिकल 152 टू 237, जिसमें द एग्जीक्यूटिव की बात की जाती है अंडर आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री टू वन सिक्सटी सेवन द स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नर आती है आर्टिकल 213 के अंडर द हाई कोर्ट की बात की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 टू 232 एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 233 टू 237 आज हम डिस्कस करेंगे द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सिक्स आर्टिकल 153 टू 162 बात करता है अबाउट गवर्नर गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है और इन्हें नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन गवर्नर प्ले करती है वो है कि एक लिंक बना के रखती है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इसकी बात की गई है आर्टिकल 155 में सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बोला था कि गवर्नर एक एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लॉय नहीं है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में एड किया गया था कि एक गवर्नर कॉमन हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट के मतलब देखो हर स्टेट को एक गवर्नर तो मिलेगा ये तो पक्का है कि हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है बट कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है गवर्नर के टेन्योर यानी टर्म की बात आर्टिकल 156 में की गई है और गवर्नर ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक गवर्नर अपने ऑफिस में रहेंगे वैसे जो इनके टर्म में फाइव ईयर है बट इंक्रीज भी हो सकती है और इन्हें पहले रिमूव भी किया जा सकता है और ये किस पे डिपेंड करता है ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है और अगर कभी गवर्नर ने रिजाइन देना है तो वो अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देंगे ओथ वो अपनी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देते हैं और इनकी सैलरी क्या होगी कितनी होगी वो सब कौन डिसाइड करता है प्रेजिडेंट और इनकी सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी अब गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए एज 35 फाइव ईयर होनी चाहिए उसके अलावा ये किसी भी हाउस ना तो पार्लियामेंट के ना स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी हाउस के ये मेंबर नहीं होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि जो गवर्नर जिस स्टेट से बिलोंग करता है जहां पे वो रहते हैं उस स्टेट का गवर्नर वो नहीं बन सकते वो किसी और स्टेट का गवर्नर बनेंगे अब क्या पावर्स एंड फंक्शन गवर्नर इंजॉय करते हैं वो समझते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर में वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट फाइनेंस कमिश्नर चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन सबको अपॉइंट कौन करता है गवर्नर करता है उसके अलावा ही इज अ चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी लेजिस्लेटिव पावर ही कैन साइमन डिजोल्व लेजिस्लेटिव असेंबली ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द सिटिंग कौन करवाते हैं कर है, स्टेट में अगर टेनियॉर से पहले को करना है खत्म करना है तो वो पावर भी किसके पास है गवर्नर के पास है, है. जहाँ पे प्रेजिडेंट राज्यसभा के ट्वेल्व मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वन सिक्स मेंबर को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर उसके अलावा गवर्नर किसी भी हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल किसी भी हाउस में मैसेज भेज सकते हैं कि जो बिल आपका पेंटिंग था आप उसे पास कर दो और उसके अलावा ही कैन डिस्कॉलीफाई एम एल एम एल को डिस्कॉलीफाई कर सकते हैं बट किसके ओपिनियन से इलेक्शन कमिश्नर के ओपिनियन से अब नेक्स्ट आता है जुडिशरी पावर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट तो प्रेजिडेंट करते हैं बट किससे कंसल्ट करके गवर्नर से कंसल्ट करके करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है गवर्नर अपॉइंट करते हैं ये कंसल्टेशन किसके लेते हैं हाई कोर्ट की लेते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट प्रेजिडेंट करते हैं बट गवर्नर से पूछ के करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं बट हाई कोर्ट से पूछ के करते हैं उसके बाद आता है पार्डनिंग पावर जिसकी बात आर्टिकल 161 में की जाती है वही हमने जो प्रेसिडेंट के पास पार्डिंग पावर थी वो कौन सी आर्टिकल में आती थी वो आर्टिकल 72 में की गई थी यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर स्टेट की पार्डनिंग पावर जो गवर्नर के पास है उसकी बात आर्टिकल 161 में की गई है सेम पार्डनिंग पावर है पांच पार्डिंग पावर इनके पास भी हैं पार्टनर रिमिशन रिप्राइव क्यूमिटेशन रिस्पाइट पार्टनिंग पावर वो होती है जहाँ पे गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आप किसी की भी पनिशमेंट को कम कर सकते हो या उसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो या टेम्प्रेरी बेसिस पे उसे रोक सकते हो पार्टनिंग पावर में गवर्नर कम्प्लीटली सजा ख़त्म कर सकते हैं कंप्लीटली उसकी सज़ा को डिजोल्व कर सकते हैं जो भी सजा मिली उम्र कैद फांसी की सजा दस साल की पाँच साल की जो भी सजा मिली है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं इसे बोला जाता है पार्टिंग पावर रीमिशन में क्या होता है रीमिशन होता है गवर्नर है जो सजा का टाइम कम कर देंगे बट उसका जो करेक्टर है वो सेम रखेंगे यानी अगर पर्सन को 10 साल की सजा मिली है तो उसको पाँच कर सकते हैं उसको चार कर सकते हैं रिप्राइव में होता है कि एक टेम्परेरली उसकी सजा को पोस्टपोन कर देना यानी अगर किसी पर्सन को आज सजा मिलनी है या उसको कल मिलनी है तो उस पर्सन की सजा कल देने की बजाय टेम्प्रेरली रोक दिया उसे कि अभी नहीं सजा देनी उसको पोस्टपोन कर देते हैं उस सजा को तो उसे बोला जाता है रिप्राइव शन होता है कि आप करेक्टर ही चेंज कर देते हो यानी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था विदाउट चेंजिंग करेक्टर यहाँ पे आप करेक्टर है जो उसको चेंज कर देते हो अगर किसी पर्सन को उम्र कैद की सज़ा मिली है तो आप उसकी सजा को कुछ टाइम के लिए रख दे दो यानी उम्र कैसे दस साल के लिए कर दी अगर किसी पर्सन को फांसी की सज़ा मिली है उसे रिप्लेस करके उसे उम्र कैसे सजा दे रो या फिर उसे कुछ टाइम के लिए सजा दे रो तो ये होता है क्यूमिटेशन जिसमें आपने करैक्टर ही चेंज कर दिया रिस्पाइट होता है जब आप किसी की सजा कम कर देते हो कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से या जैसे कि वुमेन प्रेग्नेंट होगी या कोई हेल्थ इशू हो जाता है उसकी वजह से आप उसकी सजा को रिड्यूस कर देते हो कम कर देते हो उसे बोला जाता है रिस्पाइट ये होती है पार्डनिंग पावर जिसे गवर्नर इंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल वन नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंस पावर जिसकी बात आर्टिकल टू में की गई है प्रेजिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर की बात की गई है अंडर आर्टिकल वन टू थ्री सेम पावर्स हैं सब कुछ सेम ऑर्डिनेंस में भी यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस पावर में वैलिडिटी होती है सिक्स मंथ सिक्स वीक की होती है ऑर्डिनेंस तब पास किया जाएगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी सेशन में प्रेजेंट नहीं होगा जैसा और वो ऑर्डिनेंस वो ही पास करेंगे जिस मैटर्स में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है उसके अलावा किसी और में ऑर्डिनेंस पावर को वो नहीं लागू कर सकते सिक्स मंथ और सिक्स वीक का मतलब क्या है सिक्स मंथ का मतलब है जैसे हमें पता है कि दो सेशन के बीच में कितना टाइम होता है सिक्स मंथ का गैप तो होना चाहिए दो सेशंस के बीच में तो ये सिक्स मंथ के गैप के बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और लॉ बनाना हो तो उसे ऑर्डिनेंस पावर बोला जाता है और वो कौन बना सकता है गवर्नर बना सकता है और सिक्स वीक का मतलब है कि जब ऑर्डिनेंस पास होगा तो सिक्स वीक के अंदर अंदर इसे पास करना पड़ेगा इसीलिए इसकी वैलिडिटी सिक्स मंथ एंड सिक्स वीक है उसके अलावा किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेट में क्या चल रहा है क्या चीजें हो रही हैं, कई बार रिपोर्ट सबमिट करनी होती है प्रेसिडेंट को खुद करेंगे यहाँ कभी प्रेसिडेंट उन्हें बुला सकते हैं कि हाँ इस मैटर के लिए स्टेट में क्या चीजें चल रही है वो सारे अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है प्रेजिडेंट को गवर्नर ने थर्ड कि अगर कोई भी बिल ऐसा पास हुआ जिसमें गवर्नर को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए और वो बिल अपना प्रेजिडेंट को भेज देते हैं तो उसके बाद गवर्नर उस बिल पे कोई भी डिसीजन नहीं देगा वो सारी पावर उस बिल के रिलेटेड क्या डिसीजन लेना है क्या होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे उसे भी नेक्स्ट आते हैं गवर्नर के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आर्टिकल वन बात करते हैं स्टेट गवर्नर शुड बी देयर आर्टिकल 152 स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं आर्टिकल 155 गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं आर्टिकल 156 फिफ्टी सिक्स टर्म ऑफ गवर्नर की बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 157 आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस की बात करता है आर्टिकल 159 बात करता है ओथ की डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर ऑन सर्टेन केसेस की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 160 आर्टिकल 161 में पार्टनिंग पावर की बात की गई है गवर्नर की टू आर्टिकल 200 में स्टेट गवर्नर बिल को रिजर्व करके रखते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू आर्टिकल 213 में गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर की बात की गई है आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पार्ट सिक्स के फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया अबाउट द गवर्नर एंड हिज पावर्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल